वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर टू, एक्सरसाइज 11.4। ए 3 मीटर वाइड पेथ रन्स आउटसाइड इन अराउंड अ रेक्टेंगल पार्क। ये एक रेक्टेंगल पार्क है, 125 मीटर चौड़ा और 65 मीटर ये 125 मीटर लॉन्ग एंड 65 मीटर विड्थ, इसकी चौड़ाई है 65 मीटर। इसके ऊपर चारों तरफ ये 3 मीटर का ये एक जो है पेथ रास्ता बना हुआ है, ठीक है। इसकी चौड़ाई है 3 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पेथ, आपको पेथ का एरिया पता करना है, ठीक है। आप पहले पूरे एरिया का जो है इसको निकाल लीजिए, रेक्टेंगल पार्क का निकाल लीजिए, अंदर का 125 इंटू 65, और पूरा कितना होगा, ये 3 मीटर है ये, तो ये 3 मीटर तो इधर बढ़ गया, 125 में 3, ठीक है, 125 प्लस 3 इधर बढ़ गया ये, और 3 इधर बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 131। ये लेंथ जो है इंक्लूडिंग पेथ, रास्ते को मिलाकर इसकी चौड़ाई होगी 131 मीटर, रास्ते को मिलाकर इसकी लंबाई होगी 131 मीटर और चौड़ाई होगी 65 प्लस 3 इधर और 3 इधर 6, यानी आपकी 71 मीटर। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 131 इंटू 71, यानी लेंथ और ब्रेथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। और अंदर के पार्क का जो एरिया निकालने के लिए 125 इसकी लेंथ है और 65 इसकी ब्रेथ है, इसको हम निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, देखिए 131 को मल्टीप्लाई किया 71 से, पहले 1 से करें तो 131 आ जाएगा, यहाँ क्रॉस किया 7 का 7 और 7 3 21, ओके, रिमेनिंग 2 और ये 90, ये आ गया आपका 039 3 9 3 0 1। अब क्या हो गया, ये एरिया हो गया, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरह से आप ये निकाल लीजिए 125 और 65 का, ठीक है, तो हमने लिखा 125, ये इसको 65 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 5 से किया, 5 5 या 25 और 5 2 10 और 2 और ये आ गया 6, यहाँ हमने क्रॉस लगाया 6 5 या 30, रिमेनिंग 3 और 6 2 या 12 और 3 15 और 1 बचा 6 7, ठीक है, इसको जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, ये 5 और ये 2 और ये 8125, यानी अंदर का एरिया है वो 8125 मीटर स्क्वायर है, 8125 मीटर स्क्वायर है, और बाहर का जो पूरा एरिया है वो 9301 मीटर स्क्वायर। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे पूरे एरिया में से, ठीक है, यहाँ से जो ये पूरा एरिया है इसमें से जो अंदर का एरिया है ये वाला, इसको हम लेस कर देंगे तो क्या बचाएगा, हमारा पेथ का एरिया बचाएगा। तो घटा दिएगा, 11 में से डिडक्ट किया 5 तो 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 10 में से 3 गया 7 हो गया, यहाँ 2 हो गया तो ये हो गया 1 और 9 में से 8 गया 1, तो 1176 क्या हो गया, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया पेथ का, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर इसका पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ये दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो इसका आप सहारा ले सकते हैं। आपको थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।